हेलो फ्रेंड्स, जे एस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तशांग इन हंग के बारे में। फ्रेंड्स, इन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है। और इन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। फ्रेंड्स, इस चोटी पर सबसे तेज गति से चलने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इन्होंने इससे पहले जो यह खिताब जिनके नाम पे था वो नेपाली महिला थी जिनका नाम था फुंजो झांगमु लामा, जिन्होंने फ्रेंड्स 39 घंटे 6 मिनट में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। और तशांग यिन हंग ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, मात्र 25 घंटे और 50 मिनट में उन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तशांग यिन हंग के बारे में। तशांग यिन हंग के बारे में बात करें तो उनका जन्म चीन की भूमि पर हुआ है। और 10 साल की जब वो थीं तो उन्होंने अपने परिवार के साथ हांगकांग वो चली आईं। और मात्र 11 साल के उम्र में उन्होंने पर्वतारोही के रूप में अपना जो है प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। और पहली बार 2017 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फ्रेंड्स, अन्य रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो सबसे जो उम्रदराज अमेरिकी हैं वो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि 75 साल के उनका उम्र है। और उनका नाम है आर्थर मुइर। और बात करें सबसे तेज पुरुष पर्वतारोही के बारे में तो इसका खिताब जो है शेरपा गाइड लकपा गेलू के नाम पे है, जिन्होंने इस चोटी पर जो है मात्र 10 घंटे 56 मिनट में चढ़ाई की है। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट वीडियो जो कि हमने बनाया है, जो भी विश्व रिकॉर्ड बना है माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई को लेकर के, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।